हेलो फ्रेंड, मैं आम से हर्षिदा पटेल। आज हम बनाएंगे गार्लिक पनीर पराठा। तो हमें चाहिए ये अमूल का पनीर। ये अमूल का पनीर है, जो ये नया ही है, पनीर भुर्जी है। इसे हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन अमूल ने आपके लिए नया ही कुछ मार्केट में लाया है पनीर भुर्जी। तो चलो शुरू करते हैं गार्लिक पनीर पराठा। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ ये पनीर। देखो इतना सॉफ्ट है, आप इसे हाथों से ही स्मैश कर सकते हो। बहुत ही एकदम सॉफ्ट पनीर है ये, और बहुत अच्छा है। ये पनीर भुर्जी है। हम इसे ऐसे ही हाथों से ही मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये हरा धनिया। ये सब हम मिक्स कर लेंगे। देखो ये पनीर बहुत अच्छा है। जल्दी से हो जाता है। पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए एक आटा, जो हमने पहले से आटा गूंद के रखा है। आटे में हमने नमक और तेल लिया है, और रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही हमें आटा लेना है, ऐसा ही आटा बनाना है। अब हम लेंगे एक नॉनस्टिक तवी। थोड़ा बड़ा सा लेना है हमें लुआ। अब हमें इसे ऐसी रोटी बनाएंगे, बड़ी वाली, थोड़ी बड़ी साइज की बनानी है। अब हम
एक गार्लिक बटर जो मैंने घर पे ही बना है, बटर में अमूल का बटर लिया है, इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट बनाकर मिक्स कर ली है। अगर आप चाहते हैं तो अमूल का गार्लिक बटर भी मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये गार्लिक बटर में इस रोटी पर ऐसे स्प्रेड करूँगी। अगर आप गार्लिक स्किप करना चाहते हैं तो नॉर्मल बटर जो आता है अमूल का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे जो पनीर हमने रेडी किया है। थोड़ा सा हम आटा लेंगे जिससे हमारी रोटी चिपके नहीं। अब हम हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। अब हम एक तवे पे थोड़ा बटर लेंगे। ये पराठा पंजाबी सब्जी के साथ, दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखो हमारा ये रेडी है पराठा। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा वो
गार्लिक बटर स्प्रेड करेंगे। देखो हमारा ये रेडी है, गार्लिक पनीर पराठा। इसके साथ हमने एक अमूल मस्ती दही लिया है। आप इसमें आपकी मर्जी के मुजब से कोई भी मसाला ले सकते हैं। मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और हरा धनिया ही लिया है। थैंक यू अमूल टीम।